in the phylum called it as a annelidum. So examples are Nereis. Earthworm को scientific name क्या है? Ferretima posthuma भी कहा जाता है. Scientific name of earthworm is Ferretima posthuma. Leech को Hirudinea भी कहा जाता है. And they're commonly called as a ringworm or the segmented worm. ये animals कहाँ कहाँ पे रह सकते हैं? जैसे leech है, वो पानी में रहता है. और क्या है? Ectoparasite है. Ectoparasite का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको last lecture में parasite का मतलब explain किया था कि नहीं? तो ectoparasite का मतलब क्या होता है? जो बॉडी के बाहर रहते हैं. यस, बॉडी के बाहर रहते हैं और क्या करते हैं? ब्लड सकिंग करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? ectoparasite. सम ऑफ देम आर फ्री लिविंग ऑल्सो. जैसे कि अर्थवर्म फ्री लिविंग है, नेरीज फ्री लिविंग है. एंड अर्थवर्म क्या करता है? बरो करता है, सॉइल में बरो करके रहता है, मॉइस्ट सॉइल में बरो करके रहता है. तो देखो, इन तीनों कैटेगरीज में अगर हम देखा जाए तो अर्थवर्म इज बीन कॉल्ड एज अ फ्रेंड ऑफ द फार्मर. क्यों बोला जाता है अर्थवर्म को फ्रेंड ऑफ द फार्मर? टेल मी. क्योंकि मैम वो सॉइल को फर्टिलाइज करता है. वेरी गुड बेटा, वो सॉइल को फर्टिलाइज करता है और सॉइल को लूज भी करता है ना? यस, वो सॉइल में बरो करता है तो क्या करता है? एरेशन पैदा करता है. एरेशन क्यों? क्योंकि वो होल करता है ना, बरो करता है तो होल करता है, तो एरेशन होता है सॉइल के अंदर. नेक्स्ट इज दी उसका जो एक्सक्रीटा होता है, उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, इट्स अ वेरी गुड मैन्यूर टू द प्लांट्स. अर्थवर्म खाता क्या है? सॉइल ही खाता है. और उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? ये सॉइल वेरी गुड मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है. तो आजकल तो लोग वर्मी कंपोस्ट करते हैं, जिसमें क्या करते हैं? अर्थवर्म को ग्रो किया जाता है. वर्मी कंपोस्ट में अर्थवर्म को ग्रो किया जाता है और उसके एक्सक्रीटा को पैकेट्स में करके बेचा जाता है. नेक्स्ट, लीच की अगर हम बात करेंगे तो लीच तो हमारा ऐसे देखा जाए तो दुश्मन हो गया. क्यों? क्योंकि अगर हम पानी में गए, फॉर एग्जाम्पल फ्रेश नदी तालाब में जाएंगे, तो ये लीच क्या करता है? अपने बॉडी को चिपक जाएगा और फिर क्या करेगा? अपना ब्लड सक करने लगेगा, है ना? सो इट इज सैंजियोवोरस. सैंजियोवोरस मतलब जो भी एनिमल ब्लड सकिंग टाइप होते हैं उसको हम सैंजियोवोरस बोलते हैं. जबकि नेरीज ना फ्रेंड है ना दुश्मन है, वो फ्री लिविंग टाइप का है. ठीक है, ओके. सो द बॉडी इज बायलैटरल सिमेट्री है. मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब क्या बताया था मैंने? अगर आप एनिमल को कट करके ओपन करोगे तो वही रिंग अंदर भी, बॉडी के अंदर भी नजर आता है, इसलिए उसको हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं, मेटामेरिज्म. अर्थवर्म वगैरह का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? अगर आप अर्थवर्म को अगेन ध्यान से देखोगे तो यू कैन सी ओवर हियर कि वहां पे क्लाइटेलम होता है. अर्थवर्म को क्लाइटेलम होता है. क्लाइटेलम क्या है बेटा? जैसे मिस्टी, मिस्टी ओके, सो व्हाट इज क्लाइटेलम आई वाज टॉकिंग अबाउट? कि अर्थवर्म के पूरे बॉडी पे रिंग के जैसा स्ट्रक्चर है. तो अगर हेड, ये हेड है समझो इसका, यहां से अगर आप काउंट करते करते 14th सेगमेंट पे आओगे, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करते करते 14th सेगमेंट पे आओगे, तो जो 14th 15th एंड जो 16th सेगमेंट है, 14th 15th और जो 16th सेगमेंट है, ये तीनों सेगमेंट फ्यूज हो गया है. फ्यूज होने के बाद एक बैंड के जैसा स्ट्रक्चर बन गया है, जिसको क्लाइटेलम कहा जाता है. अंडरस्टूड? यस मैम. ओके, सो लोकोमोशन कैसे करते हैं ये लोग? लोकोमोशन कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ लॉन्जिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल. अलग अलग लोगों में अलग अलग टाइप का लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है. जैसे अर्थवर्म के पास सीटे होता है. अर्थवर्म के पास क्या होता है? सीटे. यू कैन सी दिस डायग्राम में, यहाँ पे सीटे देखो, मैं कर्सर मूव कर रही हूँ. सीटे, तो ये सीटे देखो बेटा, इस नीचे वाले डायग्राम में सीटे या हेड, मतलब माउथ से लेके एनस तक सब जगह वो सीटे नजर आ रहे हैं. इसलिए कभी आपने अगर ध्यान से अर्थवर्म को देखा होगा तो वो आगे से भी चल सकता है और पीछे से भी चल सकता है, दोनों साइड से चल सकता है. जैसे लोकल ट्रेन नहीं होती है, लोकल ट्रेन के जैसा कोई भी साइड में, दोनों साइड में चल सकता है, क्योंकि टायर्स तो ऐसे ही है ना, समझा? तो वैसे यहाँ पे भी क्या है, पूरे
पूरे बॉडी पे क्या प्रेजेंट है, सीरे प्रेजेंट है, जिसके वजह से वो चल सकता है. देन नेरीज के पास क्या होता है, पैरापोडिया होता है. यू कैन सी द पैरापोडियाज ऑफ द नेरीज, नेरीज के अंदर पैरापोडियाज होते हैं जिससे वो लोग लोकोमोशन करते हैं. अच्छा, फिर लीच कैसे लोकोमोशन करता है, वो सकर से करता है. यू कैन सी दिस पार्ट, लास्ट पार्ट, दिस जहां पे मैं कर्सर को मूव कर रही हूँ, दिस इज बीन कॉल्ड एज द सकर्स. तो सकर से क्या करता है, लोकोमोशन करता है. एलिमेंट्री केनाल इज कंप्लीट. यू कैन सी दिस एलिमेंट्री केनाल, ये बीच वाला, दिस इज द एलिमेंट्री केनाल. एलिमेंट्री केनाल के ऊपर आपको रेड रेड कलर का क्या नजर आ रहा है, ब्लड वेसल्स है ये सब. सो ब्लड वेसल्स है मतलब कि इसके पास क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है. एलिमेंट्री केनाल है. एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस थ्रू बॉडी वॉल. लंग्स नहीं है इसके पास, पर इसका स्किन ही इतना सॉफ्ट है, इसके स्किन के ऊपर कोई एक्सोस्केलेटन नहीं है, इसके लिए गैसेस एक्सचेंज स्किन से ही हो जाता है. सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, क्लोज्ड टाइप का है. एक्सक्रीशन किससे करता है, विद द हेल्प ऑफ नेफ्रीडियाज. एक्सक्रीशन इज बीन डन विद द हेल्प ऑफ नेफ्रीडियाज. यहाँ पे आपको देखो नेफ्रोस्टोम दिख रहा है, नेफ्रोस्टोम दिखा. हाँ, तो इसी के बाजू में ये देखो मेटानेफ्रीडियम, ये सब नेफ्रीडियाज है जो नेफ्रोस्टोम में ओपन होता है. तो ये नेफ्रीडियाज है, सेप्टल नेफ्रीडियाज, जिससे कि वो लोग एक्सक्रीशन करते हैं. नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ नर्व रिंग एंड वेंट्रल साइड में नर्व कॉर्ड. वेंट्रल नर्व कॉर्ड कैसा होता है, सॉलिड, गैंग्लियोनेटेड. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म गैंग्लियोनेटेड, गैंग्लियोनेटेड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ नर्व सेल. ये एनिमल्स मोस्टली कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट. हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है, बोथ द सेक्सेस आर प्रेजेंट इन द सेम एनिमल. सिर्फ नेरीज को छोड़ के, नेरीज में मेल फीमेल अलग अलग है. अंडरस्टूड, कोई डाउट इस पेज पे, एनी वर्ड, एनी टर्म अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज आस्क मी. यस, एनीथिंग यू हैव नॉट अंडरस्टूड मैम? बोलो रोहित. मैम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या फर्क है? अपने पास बेटा कैसा है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है. आपके हाथों पे देखो ग्रीन ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं क्या, ग्रीन? हाँ मैम. हाँ, तो उसको वो क्या है, आपके वेन्स हैं, है ना, जिसके अंदर आपका ब्लड फ्लो कर रहा है. तो आपका ब्लड ऐसे खुले में फ्लो नहीं कर रहा, आपका ब्लड किसमें फ्लो कर रहा है, ब्लड वेसल में फ्लो कर रहा है, आर्टरीज वेन्स एंड कैपिलरीज में फ्लो कर रहा है. तो जब भी ब्लड आर्टरी वेन्स एंड कैपिलरीज में फ्लो करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड टाइप. और जब भी आर्टरी वेन्स एंड कैपिलरीज नहीं होता है, पूरे ऑर्गन्स डूबे हुए होते हैं ब्लड में, तो उसे हम बोलते हैं ओपन टाइप. समझा रोहित? यस मैम. और किसी को कुछ डाउट? देखो इसके ब्लड वेसल्स, देखो ब्लड वेसल्स दिख रहे हैं ना, आर्टरीज दिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है. और यही अगर इसके जैसे कॉकरोच का अगर आप देखोगे, तो कॉकरोच के जो ऑर्गन्स है वो डूबे होते हैं ब्लड के अंदर, डूबे हुए होते हैं, तो उसका मतलब ओपन टाइप. ठीक है, you can see the heart of the earthworm and the accessory hearts bhi hai aur main heart hai, brain of the earthworm. Understood? Yes ma'am. Next, let us move on to the next phylum, that is the arthropoda. Artho ka matlab hota hai joint and poda ka matlab hota hai legs ya fir appendages. मतलब जिसके पैरों में बहुत सारे जॉइंट्स हैं, और जॉइंट्स होने के वजह से बॉडी कैसा हो गया एनिमल का, वेरी फ्लेक्सिबल, वेरी फ्लेक्सिबल. इसके लिए हम इसको कौन से फाइलम में डालते हैं, ऑर्थ्रोपोडा फाइलम में डालते हैं. इसमें बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे कि कॉकरोच हो गया, बटरफ्लाई हो गया, स्कॉर्पियंस हो गया, मिलीपेड्स हो गया, हनी बीज हो गया, मॉस्किटोज हो गए, हाँ, ऑल दीज ग्रासोपर्स हो गया, बीटल्स हो गया, बग्स हो गया, ये सब के सब किसमें आते हैं, ऑर्थ्रोपोडन्स में आते हैं.
So it is the largest phylum. Can be asked for MCQ in the exam, which is the largest phylum. So Arthropoda is considered as the largest phylum, okay, in the kingdom Animalia, because ye har jagah present hai, pani se lekar land se lekar everywhere present hai. Inke jo pairon mein kaisa hota hai, joint hota hai, iske liye iska naam Arthropoda hai. They are omnipresent. Omnipresent matlab present everywhere. पानी में भी है, लैंड में भी है, हवे में भी है. दे कैन बी सॉलिटरी, मतलब अकेले अकेले रहते होंगे, जैसे ग्रासों पर अकेले रहता है, मैंटल अकेले रहता है, स्कॉर्पियंस अकेले रहता है, पर कोई कोई ग्रुप में रहता है, कॉलोनीज में रहता है, जैसे एंट कॉलोनीज में रहती है, हनी बी कॉलोनीज में रहती है. समझ में आ गया? सारे के सारे मोस्टली फ्री लिविंग टाइप है, सिर्फ बर्नेकल को छोड़ के. बर्नेकल एक इंसेक्ट है जो कि एक रॉक को चिपका हुआ रहता है, वो चल फिर नहीं सकता. देन फ्यू आर पैरासाइट, जैसे मॉस्किटो पैरासाइट है, जो बालों में जुए लगते हैं वो भी इंसेक्ट में आते हैं, वो पैरासाइट है. बेडबग जिसको खटमल बोला जाता है वो पैरासाइट है. समझ में आया? सैंजियोवोरस है, मतलब ब्लड सकिंग टाइप है. अच्छा, देन अगर हम बॉडी के बारे में बात करेंगे तो बायोलैटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यूसिलोमेट है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड है, ट्यूब विद इन ट्यूब है, ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. एनी डाउट टिल हियर? नो. Can see all these animals. ये देखो, ये ऊपर वाला है 1, 2, 3, ये बर्नेकल है. देखो ये बर्नेकल है, ये देखो बीटल्स हैं, ये सब उसके कैटरपिलर्स हैं. देखो आपको पता होगा कि बटरफ्लाई का कैटरपिलर जो होता है, बटरफ्लाई का जो बच्चा होता है उसको हम कैटरपिलर बोलते हैं, वो ऐसा दिखता है. पर बटरफ्लाई तो कितना अलग दिखता है ना. तो जब भी कोई एनिमल के डेवलपमेंट में इतना फर्क होता है, मतलब उसका बचपना एकदम अलग और अडल्ट एकदम अलग, तो उसको हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, या फिर उसको मेटामॉर्फोसिस भी कहा जाता है. मेटामॉर्फोसिस. तो आप देख सकते हो इतने सारे ऑर्थ्रोपोडन्स के कैटेगरी में आते हैं. जो भी ऑर्थ्रोपोडन्स हैं, वो लोग टच करने में थोड़ा हार्ड रहते हैं. जैसे कॉकरोच थोड़ा टच करोगे तो हार्ड लगेगा, प्रॉन्स को टच करोगे तो हार्ड लगेगा. क्यों? क्योंकि उनके बॉडी के ऊपर पॉलीसेकेराइड का कवरिंग होता है, शुगर का कवरिंग होता है. पॉलीसेकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट का कवरिंग होता है, एंड दैट कार्बोहाइड्रेट का कवरिंग इज मेड अप ऑफ काइटीन. काइटीन से बना है. इसके लिए हम बोल रहे हैं इसके पास काइटीनियस एक्सोस्केलेटन है. काइटीन इज अ टाइप ऑफ अ पॉलीसेकेराइड, मतलब कार्बोहाइड्रेट है. अच्छा, अब ये जब एनिमल ग्रो करना चाहेगा, अब इसका एक्सोस्केलेटन तो काफी कड़क है. जैसे कॉकरोच है, कॉकरोच को जब वो, आपने देखा होगा कॉकरोच का जो छोटा फॉर्म होता है, वो कॉकरोच जैसे ही दिखता है, उसके छोटे छोटे हाथ पैर होते हैं और दिखने मतलब साइज में छोटा होता है. पर अब कॉकरोच को जब बड़ा होना है तो वो कैसे बड़ा होगा? इसके ऊपर तो एक्सोस्केलेटन है, तो इसको क्या करना पड़ता है? हर बार जब भी इसको ग्रो करना है, उसे हर बार अपने एक्सोस्केलेटन को तोड़ना होता है. वो अपने ऊपर के एक्सोस्केलेटन को तोड़ देता है, शेड ऑफ करता है, रिमूव करता है, जिससे कि वो ग्रो कर सके. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, जब एनिमल अपना एक्सोस्केलेटन शेड ऑफ करता है, रिमूव करता है फॉर ग्रोइंग, That process is called as ecdysis या फिर molting. This process is called as ecdysis or molting. Please उसको mark करो, is very 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 important for the exam. तो जब भी वो ecdysis करेगा, molting करेगा, वो थोड़ा सा grow करेगा, फिर ecdysis करेगा, फिर थोड़ा सा grow करेगा, फिर ecdysis करेगा, फिर थोड़ा सा grow करेगा. Understood? ऐसा नहीं है कि पूरा लाइफ लॉन्ग एक्डाइसिस करते ही रहता है. हर इंसेक्ट का एक पर्टिकुलर एक्डाइसिस पीरियड होता है. मतलब जैसे कॉकरोच को ले लो, तो कॉकरोच पूरे लाइफ में 6 बार ही एक्डाइसिस करेगा. अंडरस्टूड? फिर आप मुझे पूछोगे,
फिर आप मुझे पूछो कि मैम फिर ये एग्डाइसिस जब करता है तो एक्सोस्केलेटन का क्या करता है, तो ये एक्सोस्केलेटन को खा जाता है, ये जो काइटिन है ना उसको खा जाता है वो। क्यों खा जाता है? बिकॉज उससे वापस काइटिन बनेगा ताकि फिर से वो ग्रो कर सके। तो जब भी इंसेक्ट अपना एग्डाइसिस करता है तो वो एकदम वाइट हो जाता है, वाइट। जैसे कॉकरोच अगर आपने कभी देखा होगा तो वाइट कॉकरोच देखा होगा, तो आई डोंट नो यू मस्ट हैव सीन और नॉट। तो वाइट कॉकरोच कब दिखेगा आपको? जब उसने एग्डाइसिस किया है और फिर वो जो निकला हुआ काइटिन है उसको खा जाता है। फिर वो खाने से क्या होगा, वापस उसका काइटिन बढ़ेगा एयर के कॉन्टेक्ट में आने पे, और फिर वो थोड़े थोड़े देर में एयर के कॉन्टेक्ट में आते ही वो थोड़ी देर में उसके ओरिजिनल कलर पे आ जाएगा। समझा? देन द बॉडी ऑफ द एनिमल इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड तीन हिस्सों में बॉडी डिवाइडेड रहता है। अगर आप एंट को देखोगे, वैस को भी देखो या एंट को देखो, हेड थोरैक्स एंड एब्डोमेन तीन हिस्सों में बॉडी डिवाइडेड होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनके पास कंप्लीट है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का है, पूरे बॉडी के अंदर ब्लड घूम रहा है, ब्लड कोई ब्लड वेसल्स में ना घूम के पूरे बॉडी में घूम रहा है। मतलब इसके इंसेक्ट्स के सारे ऑर्गन्स जो हैं वो ब्लड के अंदर डूबे हुए रहते हैं। तो इनके बॉडी कैविटी को क्या कहा जाएगा? द बॉडी कैविटी विल बी कॉल्ड एज अ हेमोसील। हेम का मतलब होता है ब्लड, सील का मतलब होता है कैविटी। रेस्पिरेशन कैसे करेंगे? जो पानी में रहते हैं जैसे कि प्रॉन्स हो गए, लॉबस्टर्स हो गए, ये लोग गिल से करेंगे। जो कॉकरोच हो गया, एंट्स हो गए, ट्रेकिया से करेंगे। कुछ कुछ के पास होता है बुक लंग्स एंड कुछ के पास होता है बुक गिल्स। बुक लंग्स बुक गिल्स क्या है देखो इधर, देखो जब गिल्स ऐसा जैसे पन्नों के जैसा पार्टीशन में है उसमें, जैसे जैसे आपके बुक के पन्नों में कैसे पार्टीशन होता है, तो जब गिल्स ऐसा चेम्बर्स में, अलग अलग चेम्बर्स में, तो उसको हम का नाम दे दिया हमने एज बुक गिल्स। वैसे लंग्स भी अगर अलग अलग ऐसे पतले पतले चेम्बर्स में रहेगा तो उसको क्या नाम दिया जाएगा, बुक लंग्स। एक्सक्रीशन कैसे होता है, ग्रीन ग्लैंड से होता है या फिर मैल्फीजिन ट्यूब्यूल से या फिर कॉक्सल ग्लैंड से भी। Understood this much? Any doubt in this page? No ma'am, no doubt. आप देख सकते हो अलग अलग टाइप के गिल्स। ये ट्रेकिया है देखो, ये ग्रास ऊपर दिख रहा है आपको, मेंटल ये देखो ट्रेकिया ऐसे दिखता है, गिल्स। अभी ये आपके बुक में सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आप ग्रीन ग्लैंड इसको देखो कैसे दिख रहा है ग्रीन ग्लैंड। This diagram is to show this malpighian tubule. देखो ये malpighian tubule देखा ना अभी हमने, मैंने बताया आपको, देखो इस स्लाइड पे बताया मैंने आपको कि excretion किससे करता है, malpighian tubule से। तो मैं आपको इसका फोटो दिखा रही हूँ malpighian tubule, देखो ऐसा, these are the malpighian tubules. Understood? Okay, so now let us talk about their nervous system. So nervous system is in the form of nerve ring and double ventral ganglionated nerve cord. Sense organ हमें देखने के लिए मिलता है इस एनिमल में। सबसे पहली बार आईज जैसा अगर कुछ शुरुआत हुआ है इवोल्यूशन में तो वो है ऑर्थ्रोपोडन से। ऑर्थ्रोपोडन के पास होता है कंपाउंड आईज या फिर सिंपल आईज। अच्छा ये कंपाउंड आईज या सिंपल आईज क्या है, कैसे उनको दिखाई देता है? अभी देखो शुरुआत हुई है आईज की, अब जैसे जैसे हम फाइलम में आगे बढ़ेंगे आईज में डेवलपमेंट होते जाएगा, ठीक है। तो ये सेंस ऑर्गन्स है, तो कॉकरोच को जैसे फॉर एग्जांपल कॉकरोच को ही ले लो, कंपाउंड आईज होता है कॉकरोच के पास भी।
उसको कैसे दिखाई देता है, उसको कोई भी चीजें पैच पैच में नजर आती है और फिर थोड़ी देर के बाद उसको ब्लर इमेज नजर आता है. तो आईज आर नॉट सो वेल डेवलप बिकॉज आईज एज अ ऑर्गन का शुरुआत हुआ है इस फाइलम से. नेक्स्ट, दूसरा सेंस ऑर्गन आपको क्या नजर आ रहा है यहाँ पे, एंटीने. एंटीने का क्या काम है, सेंस ऑफ स्मेल, है ना. जो भी इंसेक्ट्स होते हैं उनके पास एंटीने होता है और वो एंटीने से कहीं कितने भी दूर की चीजों को सूंघ सकते हैं. एंड अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं, आपने देखा होगा या फिर बचपन से सुना भी होगा कि चींटियां जो हैं क्या खाना पसंद करती हैं, पिज्जा बर्गर, शुगर. तो इसका मतलब क्या है बेटा, उनके पास भी टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं जिससे कि उनको टेस्ट पता चले. जैसे आपके पास टंग है जिससे आपको अच्छा अच्छा पिज्जा बर्गर पसंद आता है, घर का खाना नहीं पसंद आता है ना, वैसे ही एंट्स के पास भी क्या होते हैं, टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं जिससे कि उनको शुगर, शुगरी चीज खाने के लिए पसंद आता है. अंडरस्टूड. तो ये सब सेंस ऑर्गन में पहली बार हमने फाइलम में देखा. नेक्स्ट, सेक्सेस आर सेपरेट विद सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, है ना. आपने मेल मॉस्किटो फीमेल मॉस्किटो सुना, मेल कॉकरोच फीमेल कॉकरोच. विद सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, वी कैन इजिली अंडरस्टैंड बाय द एक्सटर्नल अपीयरेंस हु इज मेल एंड हु इज फीमेल. फर्टिलाइजेशन मोस्टली इंटरनल होता है, डेवलपमेंट किसी किसी में डायरेक्ट है और किसी किसी में इनडायरेक्ट है. जैसे बटरफ्लाई में इनडायरेक्ट है जिसे हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस. अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज मार्क इट इन योर टेक्स्ट बुक. पार्थेनोजेनेसिस, इसका मतलब क्या है पार्थेनोजेनेसिस. मतलब देखो बेटा, अभी तक आपने देखा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होता है तभी जायगोट बनता है कि नहीं, यही सुनते आए हो आप हमेशा. फर्टिलाइजेशन में क्या होना चाहिए, स्पर्म और एग का फ्यूजन होना चाहिए तभी जायगोट बनता है ना. पर पार्थेनोजेनेसिस हम हनी बीज में देख सकते हैं. इसमें क्या होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के भी यंग वन फॉर्म होता है. जब बिना फर्टिलाइजेशन के भी यंग वन फॉर्म होता है, ऐसे डेवलपमेंट को हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं. तो पार्थेनोजेनेसिस के पास कितना सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ एक ही गैमेट से बन रहा है ना, सिर्फ एग से बन रहा है, बिना स्पर्म के फ्यूजन के बन रहा है, सिर्फ एग से बन रहा है, तो हाफ द सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा. समझ में आया, इसका मतलब वो इनफर्टाइल होगा, समझा. नेक्स्ट, वी कैन सी द इंसेक्ट्स एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म. अब इसका मतलब क्या है, पॉली मीन्स मेनी, मॉर्फोलॉजिकल शेप्स. पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या हो गया, जैसे अगर आपने हनी बी को कभी सुना होगा तो हनी बी के अंदर अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, क्वीन बी, वर्कर बी, है ना, नर्स बी, सोल्जर बीज, ऐसे अलग अलग टाइप के बीज होते हैं, ड्रोन बीज. तो इसको हम बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म. अंडरस्टूड? यस मैम. ओके. अच्छा, अब सम ऑर्थोप्रोड्स आर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट. जैसे हनी भी इंपॉर्टेंट है. क्यों हनी बी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट मतलब जिससे हमें पैसे मिलते हैं. तो उसमें आता है हनी बी, सिल्क वर्म आता है, सिल्क वर्म भी हमें इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है ना, जिससे हमें सिल्क मिलता है. हनी बी से हमें हनी मिलता है, वैक्स मिलता है. लैक इंसेक्ट होता है, लैक इंसेक्ट जिसका नाम क्या है, लैसिफर लैका, लैक इंसेक्ट जिससे हमें लैक मिलता है. लैक का काम क्या है, लैक बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि बैंगल्स बनाने में, टॉयज बनाने में, जो गवर्नमेंट ऑफिस में जो सीलिंग होती है, कोई भी चीज को सील किया जाता है वो लैक से सील किया जाता है. ठीक है. लॉबस्टर्स प्रॉन्स एंड क्रैब्स आर एडिबल, तो उसको बेचकर पैसे मिलते हैं, इसीलिए इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट है. सिल्क वर्म से सिल्क मिलता है,
पर कुछ ऑर्थ्रोपोडन्स हार्मफुल भी हैं, जैसे कि मॉस्किटो वेक्टर है, बीमारी फैलाता है, डेंगू मलेरिया जैसे बीमारियों को फैलाता है। लोकस्ट जो एक ग्रिगेरियस पेस्ट है, ग्रिगेरियस मतलब खतरनाक पेस्ट है, ये एक साथ एक झुंड में अगर खेत में आ गए तो 10 मिनट में पूरा खेत साफ हो जाता है, ठीक है। देन लिम्यूलस इज अ किंग क्रैब, सबसे बड़ा क्रैब, विच इज अ लिविंग फॉसिल। क्यों इसको लिविंग फॉसिल बोलते हैं? क्योंकि पहले जो ऑर्थ्रोपोडन्स थे उनका साइज बहुत बड़ा था, अब जो ऑर्थ्रोपोडन्स है उनका साइज छोटा हो गया, पर अब भी ये किंग क्रैब जो है अब भी हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए हम उसको लिविंग फॉसिल बोल रहे हैं। समझा? लिख सकते हो एग्जाम में। और क्या क्या इंपॉर्टेंस है ऑर्थ्रोपोडन्स का? इंसेक्ट्स हेल्प्स इन पॉलिनेशन, बीटल्स एंड्स लार्वे ये सब सॉइल के कंडीशन को इम्प्रूव करते हैं क्योंकि ये लोग सॉइल में बरो करके रहते हैं। एंड्स और टर्माइट्स क्या करते हैं? प्लांट्स का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं और सॉइल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। डंक बीटल जो काउडंक में रहता है वह एनिमल वेस्ट को डीके करता है। कुछ इंसेक्ट्स का बायोलॉजिकल कंट्रोल है। सिल्क मॉथ से हमें सिल्क मिलता है जिसका बहुत वैल्यू है। हनी बी से हमें हनी मिलता है जिसका एंटीसेप्टिक कंडीशन है, फूड में यूज करते हैं हम। लैक इंसेक्ट से लैक मिलता है जो हम पेंट्स में टॉयज में इस्तेमाल करते हैं। क्रैब प्रॉन्स से हमें फॉरेन इनकम मिलता है ना, एज यूज एज फूड। सो हार्मफुल में कौन है? टर्माइट्स है जिसको दीमक बोला जाता है, जो लोग वुड को पूरा खराब कर सकते हैं, फर्नीचर को, क्लोथ्स को, बुक्स को। लोकस्ट तो पूरा का पूरा क्रॉप डिस्ट्रॉय कर सकता है। मॉस्किटो फ्लाइज डिजीज स्प्रेड कर सकते हैं, कॉकरोच भी। अंडरस्टूड? चलो अब नेक्स्ट फाइलम की तरफ चल। हाँ यस, एनी डाउट? नो मैम। अच्छा, नेक्स्ट फाइलम की तरफ चलते, दैट इज अ मॉलस्का। मॉलस्का का पहले आप फोटोज देखो। ये सब देखो, ये सारे लोग मॉलस्कंस है। ऑक्टोपस, शंख, स्नेल, स्क्विड, ये सारे किसमें आते हैं? ऑयस्टर, ये सब किसमें आते हैं? मॉलस्कंस में आते हैं। तो मॉलस्कंस का खास बात क्या होता है कि दे आर सॉफ्ट बॉडी एनिमल। एनिमल तो बहुत ही सॉफ्ट है पर उसके ऊपर एक कवरिंग होता है ना, हार्ड कवरिंग होता है, शेल का कवरिंग होता है। यस yes? तो मॉलस्कंस का क्या स्पेशलिटी है? दे आर सॉफ्ट बॉडी एनिमल कवर्ड इन अ हार्ड शेल। किसी के पास शेल होता भी है, किसी के पास नहीं होता। जैसे ऑक्टोपस के पास शेल नहीं है। तो दिस आर द मेनी एग्जांपल्स। स्क्विड को लोली को भी बोलते, स्क्विड गेम नहीं, स्क्विड हाँ ना। तो बहुत सारे लोग स्क्विड गेम भी खेलते होंगे ना आजकल। कौन कौन खेलता है स्क्विड गेम? कोई नहीं खेलता है, किसी को पता भी नहीं है। Nobody knows। पता है मैम। चेतन को पता है, रोहित को पता है। ओके, चेतन ने पहली बार हाथ ऊपर किया है फॉर स्क्विड गेम, वेरी गुड। इसके पहले तो कभी किया ही नहीं चेतन ने हाथ ऊपर। अच्छा, आदित्य को भी पता है, वेरी गुड। ठीक है, साक्षी को भी पता है। बहुत सारे बच्चे लोग गेम खेलते हैं यहाँ पे तो। ओके, गेम भी खेलो बट ज्यादा नहीं, ठीक है। चलो अब मॉलस्का का क्या है बेटा? इट इज अ सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन था? ऑर्थ्रोपोडा। सेकेंड लार्जेस्ट कौन है? मॉलस्का। ओके, सो मॉलस्का विल बी आइदर फ्री लिविंग या फिर सेडेंट्री। अगेन, सेडेंट्री का मतलब आपको मालूम है कि एक जगह चिपक के बैठा रहेगा, पानी में रहेगा, एक्वाटिक रहेगा, या तो मार्शी प्लेसेस में, दलदल में पाया जाता है। फ्यू आर टेरेस्ट्रियल, दे आर सॉफ्ट बॉडी एनिमल शोइंग ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान।
ये देखो स्क्विड, लोलीगो का मतलब होता है स्क्विड। देखो ये सारे भी एनिमल्स मॉलस्कंस ही है। ऑक्टोपस डरावना दिखता है इसको, इसलिए उसको डेविल फिश बोलते हैं। वैसे सेपिया भी कुछ कम डरावना नहीं है। ओके, बॉडी तो इनका बायलैटरल सिमेट्री है, पर कुछ लोगों के अंदर जैसे शंख हो गया, जैसे ये पाइला हो गया, आप देख सकते हो कि बॉडी में ट्विस्ट हो गया, पूरा टॉर्शन हुआ। टॉर्शन मतलब ट्विस्ट, असिमेट्रिकल टॉर्शन या ट्विस्टिंग ऑफ बॉडी होता है किसी किसी एनिमल्स में, जैसे कि पाइला में, स्नेल में। इनका बॉडी तीन पार्ट में डिवाइडेड है, हेड, फुट एंड विसरल मास। विसरल का मतलब बायो में होता है इंपॉर्टेंट। सो इनका बॉडी तीन पार्ट में डिवाइडेड है, हेड, फुट एंड विसरल मास। दिस पॉइंट इज अगेन इंपॉर्टेंट। अभी मॉलिस्कन में ना बेटा आपको दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मार्क करना है। विसरल मास इज एनक्लोज्ड इन अ थिक मस्कुलर फोल्ड। ये जो विसरल मास्क है उसके, वो किसमें एनक्लोज्ड है, किसमें कवर्ड है, एक मस्कुलर फोल्ड में कवर्ड है जिसका नाम है मैंटल। और ये मैंटल ही है जो हार्ड शेल बनाता है। समझा? बॉडी कितने पार्ट में डिवाइडेड है, हेड, फुट एंड विसरल मास्क। और ये विसरल मास्क के ऊपर एक कवरिंग है जिसे मैंटल कहते हैं, और ये मेंटल ही हार्ड शेल बनाता है। कैलकेरियस मतलब कैल्शियम का शेल बनाता है। ये शेल या तो बाहर होगा जैसे पाइला में बाहर है, या तो बॉडी के अंदर होगा जैसे सेपिया की बॉडी के अंदर होता है, या तो रहेगा ही नहीं जैसे ऑक्टोपस के पास होता ही नहीं है। ठीक है? सो शेल कैन बी एक्सटर्नल, इट कैन बी इंटरनल, इट कैन बी एब्सेंट ऑल्सो। फुट कौन से साइड में है, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है। Just go through all the points. Understood? Yes, miss. ये देखो बॉडी में टॉर्शन हुआ है। देखो मेंटल, कैन सी दिस मेंटल ब्लू कलर का, जिसके कारण शेल बनता है। अच्छा एक और चीज आप देखो जरा बेटा, यहाँ पे माउथ को देखो, ये माउथ दिख रहा है सबको? ये देखो माउथ को यहाँ पे जूम करके दिखाया है आपको। माउथ के अंदर क्या दिख रहा है, ऐसा दांत के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। दिख रहा है दांत के जैसा स्ट्रक्चर? इस दांत जैसे स्ट्रक्चर को रेड्यूला कहा जाता है, रेड्यूला। ठीक है, रेड्यूला। सो लेट अस सी दैट आल्सो। तो डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड है, कंप्लीट है। माउथ और एनस दो अलग अलग ओपनिंग है। बकल कैविटी का मतलब होता है माउथ कैविटी। बकल कैविटी का मतलब होता है माउथ कैविटी। Has a rasping organ. Rasping का मतलब बाहर आने वाला organ, ऐसा बाहर निकल के आ सकता है ये rasping organ, called radula. Rasping organ का नाम क्या है? Radula. Radula में क्या है? Transverse teeth present है। ठीक है, underline radula all of you. Then ये जो aquatic जो होते हैं, जितने aquatics होते हैं उनके पास बहुत सारा गिल्स होता है, फेदर के जैसा गिल्स होता है, फेदर के जैसा गिल्स होते हैं। आई विल शो यू। यू कैन सी ओवर हियर फेदर के जैसा गिल्स, फेदर लाइक स्ट्रक्चर्स। कैन यू सी ओवर हियर वेयर आई एम मूविंग द कर्सर? आप किसी और में दिखाऊं आपको? गिल्स देखो, यहाँ पे गिल्स दिख रहा है सबको? यस मैम। गिल्स कैसा दिख रहा है? फेदर के जैसा, फेदर पंख के जैसा। तो ऐसा जो इतने सारे जो गिल्स होते हैं ना, जो एक साथ होते हैं, न्यूमरस गिल्स मतलब बहुत सारे गिल्स जब एक साथ होते हैं ना, तो उसे कहा जाता है टीनिडिया।
सी साइलेंट है यहाँ पे, टीनिडिया कहा जाता है जिससे वो रेस्पिरेशन करता है. गिल्स आर प्रेजेंट इन द मेंटल कैविटी. और जो टेरेस्ट्रियल है वो लोग लंग से रेस्पिरेशन करते हैं. सर्कुलेटरी सिस्टम अगेन ओपन टाइप है एक्सेप्ट सेपिया. सेपिया के पास ही क्लोज्ड टाइप का, आप देख सकते हो डायग्राम सेपिया का नीचे, देखो उसके पास ही क्लोज टाइप है, बाकी सबके पास ओपन टाइप का होता है. इनका ब्लड, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनका ब्लड ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का ब्लड है. क्यों ब्लू कलर का ब्लड है? क्योंकि इनके ब्लड के अंदर कौन सा पिगमेंट है? हेमोसाइनिन. साइनिन इज अ कॉपर कंटेनिंग कंपाउंड. और हमारा ब्लड में क्या होता है? हेमोग्लोबिन होता है. हेमोग्लोबिन इज अ आयरन कंटेनिंग कंपाउंड. हेमोसाइनिन इज अ कॉपर कंटेनिंग कंपाउंड. अंडरस्टूड? एक्सक्रीशन किससे, एक्सक्रीशन किससे करते हैं लोग? किडनी से. पर इनके किडनी को क्या बोला जाता है? ऑर्गन ऑफ वजाइनस. So underline all the terms once again. Nervous system की अगर हम बात करें तो nervous system कैसा है इनका? Three pairs of ganglia से बना है और सारे ganglia एक दूसरे से connected है by means of a bridge. Bio में ब्रिज को कमीशर भी कहा जाता है. बायो में ब्रिज को कमीशर भी कहा जाता है एंड कनेक्टिव से. सो तीन गैंग्लियंस है, तीनों गैंग्लियंस एक दूसरे से कनेक्टेड है. इसका बॉडी तीन पार्ट में डिवाइडेड है ना बेटा, इसीलिए तीन गैंग्लियंस है. एक हेड में, एक फुट में, एक विसरल मास में. तो तीन अलग अलग जगह तीन गैंग्लियंस है और तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ अ ब्रिज एंड दैट ब्रिज इज कॉल्ड एज कमीशर. इनके पास भी सेंस ऑर्गन है. आईज होता है फॉर विजन, टेंटेकल्स फॉर टेक्टाइल सेंसेशन. टेक्टाइल सेंसेशन मतलब टच सेंसेशन. टेंटेकल्स किसके लिए? फॉर टच का सेंसेशन. आपने कभी स्नेल को अगर टच किया तो फटाक से वो अंदर चला जाता है अपने शेल के. ऑफ्सफ्रेडिया, यू कैन सी द लेबलिंग ऑफ द ऑफ्सफ्रेडिया इन द डायग्राम. फॉर टेस्टिंग द प्यूरिटी ऑफ वॉटर. Again, a very peculiar characteristics of Sphraedia for testing the purity of water. Sexes are separate. They are mostly oviparous. मतलब अंडे देने वाले होते हैं. Development direct हो सकता है या तो indirect भी हो सकता है. Oviparous मतलब अंडे देने वाले. Viviparous मतलब बच्चे देने वाले. Done? Yes, ma'am. चलो अभी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखते हैं इसका भी. आप सबको पता है पर्ल ऑयस्टर, मोती. मोती कहाँ से मिलता है? पर्ल ऑयस्टर से मिलता है ना. तो उसका मार्केट में बहुत डिमांड है. बहुत सारे मॉल्यूस्कंस खाए जाते हैं. सो दे आर एडिबल. उनका जो शेल होता है वो कैल्केरियस होता है. कैल्केरियस मतलब कैल्शियम से बना है. सो अगेन अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम. ठीक है, नेक्स्ट फाइलम पे चलते हैं. एकिनोडर्माटा. एकिनो का मतलब क्या होता है? स्पाइनी. एकिनो का मतलब क्या है? स्पाइनी. डर्मा का मतलब क्या है? स्किन. और एटा का मतलब होता है बियरिंग. ऐसा एनिमल जिसके पूरे बॉडी पे कांटे कांटे के जैसा हार्ड स्ट्रक्चर है, मतलब रफ है, ऐसा छूने में सॉफ्ट नहीं है. तो ऐसे एनिमल्स को हमने किसमें डाला है? एकिनोडर्माटा. बेस्ट एग्जाम्पल इज स्टार फिश. बहुत सारे एग्जाम्पल है. स्टार फिश इज अ वेरी कॉमन वन. You can see starfish, star cucumber, sorry, sea cucumber, sea urchin. These animals are exclusively marine. सिर्फ और सिर्फ समुद्र के पानी में ही पाए जाते हैं.
सॉलिटरी अकेले अकेले रहते हैं, सेडेंटरी जैसे स्टारफिश कोई ना कोई चीज को चिपक के रहता है, फ्री लिविंग, ग्रिगेरियस एंड बेंथिक, कुछ लोग ग्रिगेरियस है मतलब ऑफशोर रहते हैं और कोई कोई बेंथिक है, बेंथिक मतलब समुद्र के एकदम नीचे रहते हैं। रेडियल सिमेट्री है बॉडी में, पेंटामेरस, पेंटामेरस का मतलब है फाइव मेरस, जैसे अगर आप स्टारफिश को लोगे तो अगर बीच में से इसको कट करोगे तो आपको पांच इक्वल साइड मिलेगा, इसके लिए पेंटामेरस, पेंटा मीन्स फाइव। बॉडी में भी स्फेरिकल, इलोंगेटेड और स्टार शेप, जैसे आप सी कुकुम्बर को देखोगे तो गोल है, स्टार शेप है, सो अलग अलग शेप होता है बॉडी का। एंडोस्केलेटन किससे बना है? कैल्शियम के ऑसिकल से बना है। और स्पाइन्स भी कैल्शियम से ही बना है। अच्छा, अब ये सारे एनिमल्स में क्या कोई मुझे बता सकता है इसका हेड कहाँ है, टेल कहाँ है, ऐसा कुछ दिखा सकता है कोई मुझे इस सब में? नहीं, इसके इस एनिमल के अंदर आप ऐसा हेड और टेल ऐसा डिफाइन नहीं कर सकते हो। इस एनिमल में आप सीधा और उल्टा बता सकते हो, जैसे कॉइन कैसे होता है, एक सीधा साइड एक उल्टा साइड है ना, हेड एंड टेल, तो ऐसे इनके पास भी हेड एंड टेल साइड है, तो देर आर ओनली टू साइड। तो जहां से ये लोग खाते हैं समझो उसका हेड साइड को हम ओरल साइड बोलेंगे, और टेल साइड को, जैसे कॉइन का कैसे हेड एंड टेल होता है आगे पीछे, वैसे ही ऊपर का साइड ओरल साइड है, नीचे का साइड क्या है, एबोरल साइड। समझा? नेक्स्ट, इनके पास एक बहुत ही पेक्यूलियर सिस्टम प्रेजेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द एकिनोडर्मेटा, कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम फॉर एमसीक्यू। क्या है? वाटर वैस्कुलर सिस्टम। यही एक ऐसा एनिमल है जिसके बॉडी में ब्लड ना घूम के पानी घूमता है, ठीक है, और जब ये पानी इसके बॉडी में घूमेगा ना तब ये चल फिर पाता है। तो है कि नहीं अनोखी बात, ब्लड नहीं घूम रहा है बॉडी के अंदर, क्या घूम रहा है, पानी, और पानी घूमने की वजह से चल फिर पा रहा है, लोकोमोशन कर पा रहा है। तो दिस इज द पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एकिनोडर्मेटा, दे शो द वॉटर वैस्कुलर सिस्टम। वॉटर बॉडी में कैसे एंटर करता है? थ्रू अ ओपनिंग, उस ओपनिंग को कहा जाता है मेड्रीपोराइट। आई विल शो यू द डायग्राम। देखो स्टारफिश है, ये मेड्रीपोराइट दिखा सबको, मेड्रीपोराइट में कर्सर भी मूव कर रही हूँ मेड्रीपोराइट पे, तो पानी ये मेड्रीपोराइट से अंदर जाएगा, हर एक आम में जाएगा। देखो आप हर एक आम में आपको क्या नजर आ रहा है, ट्यूब फुट नजर आ रहा है हर एक आम के अंदर, ऐसा बलून के लेज जैसा स्ट्रक्चर। तो मेड्रीपोराइट से पानी अंदर गया, फटाफट पांचों ट्यूब फुट में गया, और फिर जैसे ही पानी इसके अंदर जाएगा तब एनिमल चल फिर पाएगा। समझा? So, water vascular system is an important point. Then, this system is used in what? Locomotion. Locomotion karega, tabhi to food pakad paega, tabhi to respiration kar paega. Digestive system is complete. Mouth is ventral on oral side and anus on aboral side. Circulatory system, excretory system, kuch nahi hai, sab absent hai. Nervous system is in the form of nerve ring and radial nerve cord. Respiration पानी में रहता है, तो आप देख सकते हो बहुत सारे gills है, tree के जैसा, झाड़ के जैसा है ना, तो ये झाड़ की जैसे gills रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, peristomium gills, या फिर papillaries. Sexes are separate. And fertilization external, development is indirect. They show high power of regeneration. मतलब क्या?
अगर इनका एक भी आम तोड़ गया, टूट गया, तो वापस आम आ जाता है। इसको हम क्या बोलेंगे? रीजनरेशन। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? एकिनोडर्माटा? यस मैम। ये देखो रेस्पिरेटरी ट्री दिखाने के लिए, देखो इसे झाड़ के जैसे ही दिख रहा है ना, रेस्पिरेटरी ट्री के जैसे ही दिख रहा है। नेक्स्ट फाइलम इज हेमी कॉर्डेटा, मींस हाफ कॉर्डेटा। इसके पास अभी यहां से कॉर्डेटा की शुरुआत होगी, तो इसके अंदर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, कॉर्डेटा के भी एंड हेमी नॉन कॉर्डेटा के भी। नॉन कॉर्डेटा का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स अभी तक हमने देखा? कि उनके बॉडी के अंदर कोई हड्डी नहीं होती है, बॉडी के बाहर होती है स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, पर बॉडी के अंदर कोई हड्डी नहीं होती है, इसलिए ये लोग नॉन कॉर्डेटा थे अभी तक जो हमने पढ़ा। अब यहां से हेमी कॉर्डेटा के बाद कॉर्डेटा शुरू होगा, मतलब बॉडी के अंदर नोटोकॉर्ड दिखेगा, नोटोकॉर्ड मतलब रॉड लाइक स्ट्रक्चर। सो ये जो फाइलम है इसको हेमिकॉर्डेटा में क्यों डाला गया? तो सबसे पहली रीजन ये है कि इनके माउथ कैविटी के अंदर, हाँ, जैसे बेलानोग्लोसेस आप देख सकते हो, सैकोग्लोसेस आप देख सकते हो, इनके माउथ कैविटी के अंदर, मतलब इनके बकल कैविटी के अंदर एक रॉड के जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, बॉडी के अंदर है ना। तो शुरुआत हो गई कॉर्डेटा की, पर नोटोकॉर्ड कहाँ रहना चाहिए? हमने पढ़ा है हमेशा से कि नोटोकॉर्ड कहाँ होना चाहिए? डॉर्सल साइड में होना चाहिए, है ना, तभी तो उससे रीढ़ की हड्डी बनेगी। तो डॉर्सल साइड में होना चाहिए ना नोटोकॉर्ड। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ बेटा आपको? यस मैम। नोटोकॉर्ड का डेफिनेशन क्या है? कि वो बैक साइड में होना चाहिए, बॉडी के बैक साइड में होना चाहिए, जैसे रीढ़ की हड्डी अपने बैक साइड में है। पर ये बेलानोग्लोसेस में, ये हेमिकॉर्डेटा के अंदर रॉड कहाँ दिख रहा है? माउथ कैविटी के अंदर। तो कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं बॉडी के अंदर तो हड्डी है ना, फिर वो माउथ में हो चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, पर शुरुआत तो हो गई है। इसलिए कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि यहीं से नोटोकॉर्ड की शुरुआत हो गई है, ठीक है, और इसीलिए इसको एक अलग फाइलम में डाला है जिसका नाम है हेमिकॉर्डेटा। Okay, so half chordata. So these are again exclusively marine animals, usually living at the bottom of the sea in burrows. कहाँ पे रहते हैं? Bottom में रहते हैं, burrow करके रहते हैं। तो अगर कोई burrow करके रहता है तो उसका mouth देखो कैसा है, proboscis। Proboscis मतलब pointed mouth है, pointed। Pointed रहेगा तभी तो वो dig कर पाएगा ना पानी में, सॉइल में डिग करने के लिए उसका माउथ कैसा होना चाहिए? पॉइंटेड। तो पॉइंटेड माउथ को क्या बोला जाता है? प्रोबोसिस, ठीक है। मोस्टली दे आर फ्री लिविंग, बट एनिमल लाइक रैप्डोप्लूरा आर सेडेंटरी, मतलब वो लोग चल फिर नहीं सकते। देख सकते हो आप, ये रैप्डोपूरा प्लूरा कैसा है? सेडेंटरी है, ये चल फिर नहीं सकता। बॉडी सॉफ्ट है, वर्मी फॉर्म है, मतलब कीड़े के जैसा है, अनसेगमेंटेड है, ठीक है। बॉडी तीन पार्ट में डिवाइडेड है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, ठीक है। पर इसका स्पेशल पॉइंट क्या है? बकल कैविटी के अंदर, मतलब माउथ कैविटी के अंदर एक रॉड के जैसा स्ट्रक्चर है, जिसे क्या बोला जाता है? बोला जाता है बकल डाइवर्टिकुलम, जो कि कंसीडर किया जाता है, कंसीडर्ड एज नोटोकॉर्ड बाय सम ऑफ द साइंटिस्ट। सो नोटोकॉर्ड क्या है आप लिख लो कहीं तो, नोटोकॉर्ड क्या है? इट्स अ फ्लेक्सिबल रॉड के जैसा स्ट्रक्चर विद अ वैक्यूलेटेड सेल्स, मतलब वैक्यूलेटेड सेल्स मतलब ऐसा सेल जिसमें गैप हो, कौन सा साइड में होना चाहिए? डॉर्सल साइड ऑफ द कॉर्डेट एम्ब्रियो। इट गिव सपोर्ट टू द बॉडी, प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू द मसल्स। तो नोटोकॉर्ड का मतलब आप टेक्स्ट बुक में कहीं लिख लो बेटा पहले।
लिख लिया हम टेक्स्ट बुक में नोटोकॉर्ड का मतलब. यस मिस. यस मिस. ठीक है तो आपने इन तीनों को भी देख लिया. हेमिकॉर्डेटा को कॉमनली एकॉन वर्म भी कहा जाता है. एकॉन वर्म. हाँ इसको भी आप अंडरलाइन कर लो. इट इज कॉमनली कॉल्ड एज एकॉन वर्म. बाकी का सारा कैरेक्टरिस्टिक इनका किसके जैसा है? नॉन कॉर्डेटा के जैसा. एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट है या फिर यू शेप का भी हो सकता है. पानी में रहते तो गिल्स से रेस्पिरेशन करते हैं. गिल्स ओपन भी रह सकता है या गिल्स स्लिट. गिल्स में स्लिट्स मतलब ओपनिंग्स भी रह सकते हैं. सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का है. एक्सक्रीशन ग्लोमेरुलस से करते हैं. नर्वस सिस्टम कैसा है? नर्व. यस नर्वस सिस्टम. अब आप अगेन देखो. अब नॉन कॉर्डेटा के पास नर्वस सिस्टम कहाँ था? वेंट्रल साइड में. और कॉर्डेटा के पास नर्वस सिस्टम कहाँ होता है? हमारा नर्वस सिस्टम कहाँ होता है? टॉर्सल साइड में, है ना. तो नर्वस सिस्टम अब इसके पास दोनों साइड में है क्योंकि नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा. अब कॉर्डेटा से नर्वस सिस्टम कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? टॉर्सल साइड में शिफ्ट हो जाएगा. सेक्सेस आर सेपरेट. फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल. डेवलपमेंट कैन बी इनडायरेक्ट. And again, the most important point is it is a connecting link between the non-chordata and the chordata. Understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. My lecture is still late, na, beta? Yes. Yes. Okay. So, non-chordata and chordata ka farak dekho. Kya farak aapko nazar aa raha hai? Kya major farak aapko nazar aa raha hai? Heart ka farak dekho. हमारा हार्ट वेंट्रल साइड में होता है. नॉन कॉर्डेटा का हार्ट डॉर्सल साइड में होता है. हमारा नर्वस सिस्टम डॉर्सल साइड में होता है. नॉन कॉर्डेटा का नर्वस सिस्टम वेंट्रल साइड में होता है. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा. ऑल ऑफ यू आई रिक्वेस्ट टू टेक अ स्क्रीनशॉट एंड यू कैन राइट डाउन दिस टेबल इन सम बिग पेपर. Now let us move on to the phylum chordata. Now, animal which are been placed under the chordata should have a notochord, should have a hollow nerve cord, pharyngeal gill slit. मतलब pharynx region में. Pharynx का मतलब क्या होता है? Throat region. Throat. Throat region में gills होता है. Gills में slit होता है. Chordatas में. Organ level of organization triploblastic. Bilateral symmetry, coelomate, unsegmented, circulatory system closed type, and they have a tail also. Chordates have a tail also. So you can see all the characteristics over here in the diagram. Hollow nerve cord आप देख सकते हो, notochord देख सकते हो, mouth देख सकते हो. देखो pharynx मतलब ये region, mouth. थ्रोट रीजन. जैसे आपके पास थ्रोट है ना, जैसे आपको कभी कभी सर्दी बहुत हो रहा है, गले से आवाज निकल रहा है, तो आप बोलते हैं ना थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है. तो थ्रोट में जो लोग पानी में रहते हैं, थ्रोट में पाउचेस होते हैं गिल्स के लिए. एनस टेल. अगर आप ह्यूमन बीन का एम्ब्रियो देखोगे, 3 महीने का बच्चा देखोगे मदर के वूम में, तो उसके पास भी फेरेंजियल पाउचेस होते हैं. पर हमें फेरेंजियल पाउचेस की जरूरत नहीं है, इसलिए वो लंग्स में बदल जाता है.
यू कैन ऑल्सो सी थर्ड मंथ में नोटोकॉर्ड दिखता है जो बाद में धीरे धीरे वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाता है. तो कॉर्ड डेटा उसी को हम कहते हैं जिसके नोटोकॉर्ड कोई तो एक अर्ली डेवलपमेंटल कंडीशन में दिखे. तो हम भी कॉर्ड डेटा में क्यों आते हैं, क्योंकि हमारे भी एम्ब्रियोल कंडीशन में नोटोकॉर्ड नजर आता है. एनीबडी इज कॉलिंग मी? Again, you can take a screenshot of this page. All of you take a screenshot of this page. So what you have to learn? You have to learn phylum Chordata. Uske andar aapko ye teen sub phylums padhna hai. Urochordata, Cephalochordata and Vertebrata. Phir aapko Vertebrata ke do divisions padhne hain. Agnatha and Gnathostomata. अग्नाथा में आपको सिर्फ एक ही पढ़ना है. वो आपको इस फ्लो टेबल में दो मैंने दिया है बट आपको एक ही पढ़ना है इलेवेंथ में, दैट इज साइक्लोस्टोमेटा. एंड ग्नाथोस्टोमेटा में आपको दोनों पढ़ना है, सुपर क्लास स्पाइसेस भी पढ़ना है और सुपर क्लास टेट्रापोडा भी पढ़ना है. इन सुपर क्लास स्पाइसेस अगेन यू हैव टू लर्न ओनली टू, कॉन्ड्रियोकाइथिस एंड ऑस्टियोकाइथिस, ये दोनों ही पढ़ना है. एंड सुपर क्लास टेट्रापोडा में आपको चारों पढ़ना है, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स, बस इतना ही पढ़ना है, इसके आगे नहीं पढ़ना है. ठीक है, सो लेट अस फर्स्ट लर्न द सब फर्स्ट वन, दैट इज अ यूरोकॉर्डेटा. बिफोर लर्निंग द यूरोकॉर्डेटा, लेट मी टेल यू, यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा दोनों को मिला के हम प्रोटोकॉर्डेटा भी बोलते हैं. सो प्लीज नोट डाउन समवेयर, Urochordata and Cephalochordata are collectively called as protochordates. Noted? Yes, ma'am. चलो अब हम यूरोकॉर्डेट्स पे आते हैं. यूरोकॉर्डेटा का मतलब, यूरो का मतलब क्या होता है, टेल. यूरो का मतलब होता है टेल. तो ये ऐसा फाइलम है जिसके बॉडी के अंदर नोटोकॉर्ड तो दिखता है पर कहाँ दिखता है, टेल में दिखता है. और सिर्फ कब दिखता है, जब ये लार्वल कंडीशन में रहता है. मतलब यूरोकॉर्डेटा के अंदर नोटोकॉर्ड दिखता है पर सिर्फ टेल में और सिर्फ लार्वल कंडीशन में. मतलब जब ये एनिमल बड़ा हो जाएगा ना, अडल्ट बन जाएगा, तो जो टेल में नोटोकॉर्ड था वो भी गायब हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि शुरुआत है ना अभी कॉर्डेटास की, इसीलिए इसको कॉमनली ट्यूनिकेट्स भी कहा जाता है या ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि इनके बॉडी के ऊपर एक कवरिंग होता है, ट्यूनिसिन नाम का कवरिंग होता है जिसको हम टेस्ट भी कह सकते हैं, इसीलिए इसको ट्यूनिकेट्स भी कहा जाता है या एसिडियंस भी कहा जाता है. सो These are also called as tunicates or acidians. Again, सिर्फ और सिर्फ समुद्र के पानी में मिलते हैं. Body soft है, covered by test या tunicin. इसके लिए tunicates. Tunic किससे बना है? Tunicin नाम के carbohydrate से बना है. Notochord कहाँ पर है? Tail में है. और कब है? Larval में है. जब animal बड़ा हो जाएगा तो वो गायब हो जाएगा. इसके लिए हमें क्या दिख रहा है? मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस दिख रहा है. समझ में आया ना मेटामॉर्फोसिस क्यों? क्योंकि लार्वा अलग है, अडल्ट अलग है, इसीलिए. फैरिंग्स में गिल स्लिट नजर आ रहा है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है. अंडरस्टूड? यस और नो? Yes, ma'am. तो देखो ये सारे लोग क्या है, हर्डमैनिया, एसिडिया, डोलियोलम, सेल्पा, ये सब क्या है? ये सब यूरोकॉर्डेट्स हैं. अब इवोल्यूशन हुआ, थोड़ा सा और इवोल्यूशन हुआ, अब एनिमल थोड़ा सा और एडवांस हो गया और एक नेक्स्ट सब फाइलम आया जिसका नाम है सेफेलोकॉर्डेटा. सेफेलो का मतलब होता है हेड. अब हमें इसमें क्या नजर आएगा? नोटोकॉर्ड,
पूरे बॉडी में है और पूरे लाइफ है। एक इवोल्यूशन हो गया ना, एक स्टेप आगे आ गए हम लोग। तो नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द बॉडी थ्रू आउट द लाइफ, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो अगेन एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल है। इसको हम कॉमनली लैंसलेट कहते हैं, क्यों? अब देखो इसको कैसा दिख रहा है, लैंसलेट के जैसा ही तो दिख रहा है। लैंसलेट क्या होता है, जो मेडिकल फील्ड में जो बॉडी को स्किन को कट करने के लिए एक छोटा सा ब्लेड होता है, पतला सा ब्लेड होता है। यस, ये नॉर्मल वाला ब्लेड थोड़ी ना यूज किया जाता है जो दुकानों में मिलता है, ये ब्लेड से थोड़ी ना कट करते हैं स्किन, लैंसलेट्स होते हैं। तो लैंसलेट्स कुछ ऐसे ही दिखता है, ठीक है। इसके लिए इसका नाम लैंसलेट्स भी है। दे आर वेरी स्मॉल फिश के जैसा एनिमल, कितना बड़ा है, सिर्फ और सिर्फ 5 सेंटीमीटर का। अगेन लैंसलेट्स कहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, बरीड अंडर सॉफ्ट मरीन सेडिमेंट्स। अगेन दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लेंथ थ्रू आउट द लाइफ। दे शो मायोटोम्स, मतलब मसल ब्लॉक, मतलब एक थोड़ी देर के लिए ऐसे एक ही जगह पे रुक के रह सकते हैं, मसल को ब्लॉक करके रख सकते हैं। ऐसे जैसे आप लोग स्टैच्यू स्टैच्यू कैसे खेलते हो, वैसे स्टैच्यू हो सकते थोड़ी देर के लिए। देन पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड इज विदाउट पिगमेंट, मतलब ब्लड में कोई कलर नहीं है। अंडरस्टूड दिस मच ऑल्सो? यस मैम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फाइलम की तरफ। अब नेचर को लगा या गॉड को लगा कि अगर बॉडी में रॉड तो दे दिया, ठीक है, पर रॉड से क्या हो गया कि एनिमल रोबोट जैसा हो गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप खुद को, अपने आप को ही सोचो कि आपका जो रीढ़ का हड्डी है, जो आपका बैक बोन है, अगर वो एक रॉड के जैसा होता, हॉलो स्ट्रक्चर होता, तो क्या कभी आप झुक पाते, बॉडी को ट्विस्ट कर पाते? नहीं, रोबोट के जैसा खड़े होते ना। तो फिर नेचर को भी क्या लगा कि नहीं, अब इस रॉड को रिंग्स में बदल देना चाहिए ताकि एनिमल क्या हो जाए, फ्लेक्सिबल हो जाए। तो क्या हो गया, इवोल्यूशन में ये जो रॉड था रिंग्स में बदल गया, ठीक है। एंड दीज रिंग्स आर कॉल्ड एज अ वर्टिब्रे, ठीक है। और फिर फाइलम आ गया नया, वर्टिब्रेटा। तो जब नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल रिंग्स में बदल गया तो उस फाइलम का नाम बन गया वर्टिब्रेटा। अंडरस्टूड? और ये वर्टिब्रल किसके अंदर क्या होता है, स्केलेटन स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा के अंदर क्या होगा, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनियस या फिर बोनी वर्टिब्रल कॉलम। व्हाट डू यू मीन बाय कार्टिलेजिनियस? कार्टिलेजिनियस का मतलब होता है सॉफ्ट बोन, कार्टिलेज का मतलब होता है सॉफ्ट बोन। जैसे आप अपने कान को हिला के देखो, हिल सकता है, अपने नाक को हिला के देखो, हिल सकता है। किससे बना है? कार्टिलेज से बना है, सॉफ्ट बोन है, ठीक है। अब इसके अंदर दो है डिविजन्स, अग्नाता स्टोमेटा एंड ग्नाथोस्टोमेटा। पहले तो सबसे पहले बात आप ग्नाथा का मतलब समझो कि ग्नाथा का मतलब क्या होता है। ग्नाथा का मतलब होता है जबड़ा या फिर जॉज। तो हम सबके पास जबड़ा है ना, जिसके अंदर दांत है। पर कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास जबड़े ही नहीं होते, अपर जॉ एंड लोअर जॉ ही नहीं है। तो उनको कौन से कैटेगरी में डाला, बिना ग्नाथा वाला। तो बायो को बायो में कैसे बोलोगे, अग्नाथा। स्टोमा का मतलब बायो में होता है माउथ। तो देखो इसको स्प्लिट करो, अग्नाथो स्टोमाटा। अ मीन्स नो, ग्नाथो मतलब जबड़ा मतलब जॉ, स्टोमा मतलब माउथ और एटा मतलब बियरिंग। ऐसा एनिमल जिसके माउथ में जॉज नहीं है तो अग्नाथो स्टोमाटा। समझा? सो लोअर मोस्ट है, प्रिमिटिव है, वर्टिब्रेट से बिना जॉज वाले हैं। इसके अंदर एक ही क्लास आपको पढ़ने के लिए, साइक्लो मतलब गोल। साइक्लो क्या होता है, गोल। स्टोमा मतलब माउथ, जिसका गोल माउथ है उसको साइक्लोस्टोमाटा में डाल दिया हमने। समझा?
यस मैम। चलो साइक्लोस्टोमेटा का एग्जांपल देखो पहले आप, हैग फिश लैम्प्रे, ये वाला देखा है कभी फिश आपने? पेट्रोमाइजोन देखा है? फिश टैंक में देखा होगा शायद कभी, देखा है? यस मैम। तो ये लोग क्या होते हैं बेटा, इनका माउथ देखो बेटा, अब इसके माउथ पे ध्यान दो, गोल माउथ है। देखो इसके माउथ को कट करके दिखाया गया, कैसा माउथ है? गोल माउथ है, मतलब जबड़ा नहीं है, अपर जॉ लोअर जॉ नहीं है, ठीक है? तो दीज आर जॉलेस, ईल के जैसा एनिमल, लंबा लंबा है, ईल के जैसा है। स्किन सॉफ्ट है, बिना स्केल्स वाला है, मीडियन फिन्स है। मीडियन फिन मतलब ये देखो, ये फिन्स होता है ना जिससे तैर सकते हैं, फिन्स। सो मीडियन मतलब बीच का फिन है, पैर फिन नहीं है। दीज आर एक्टोपैरासाइट, बड़ी बड़ी जो शार्क होती हैं, बड़ी बड़ी जो वेल्स होती हैं, उसको ये लोग चिपक के रहती हैं, एक्टोपैरासाइट है ये लोग, ठीक है? और उसका पूरा क्या करते हैं, ब्लड सक करते हैं, ठीक है? ब्लड सकिंग टाइप है, अंडरस्टूड? क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, इनका बॉडी कार्टिलेज से बना है, सॉफ्ट बोन से बना है। हैगफिश है। हाँ बेटा, यस विवेक, एनी डाउट? विवेक एनी डाउट? डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है बेटा इनका, कैसा बताएं डाइजेस्टिव सिस्टम, बताओ मुझे कैसा है डाइजेस्टिव सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है? यस बेटा, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। बिना स्टमक के, स्टमक के सस्टेन, बिना स्टमक के, लैक्स स्टमक मतलब बिना स्टमक वाला, स्टमक क्यों नहीं है? क्योंकि ये लोग एक्टो पैरासाइट है, इनको रेडीमेड फूड मिल रहा है ना, तो स्टमक की क्या जरूरत है, समझा? यस मैम। रेस्पिरेशन पानी में रहते हैं तो गिल्स से करते हैं, गिल्स आर विदाउट ओपरक्यूलम, ओपरक्यूलम का मतलब होता है कवरिंग। गिल्स के ऊपर आपने कभी रोहू फिश को फिश मार्केट में देखा होगा, तो वो जो कवरिंग होता है गिल्स के ऊपर, उसको बोला जाता है ओपरक्यूलम। अब देखो जैसे जैसे हम फाइलम में आगे बढ़ेंगे ना, हार्ट के चेम्बर्स बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ तक देखना, दो चेम्बर हार्ट है, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल। गोनाड मतलब जहां पे उनका सेक्स ऑर्गन्स है, इज लार्ज। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। नाउ दिस पॉइंट इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दे आर एनाड्रोमस। एनाड्रोमस का मतलब क्या है, देखो क्या दिखा, क्या बताया जा रहा है, दे माइग्रेट। माइग्रेट मतलब आपको समझता है ना बेटा, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, है ना? यस, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं फॉर स्पॉइंग, स्पॉनिंग टू फ्रेश वॉटर, है ना? स्पॉनिंग करते हैं फ्रेश वॉटर में, उसके बाद क्या करते हैं वापस, फ्रॉम देयर मरीन हैबिटेट। आफ्टर स्पॉनिंग दे डाई विदाउट विद इन फ्यू डेज। फिर स्पॉनिंग करने के बाद दे ले एग्स ओवर देयर, एग्स डिपॉजिट किया, फिर ये एग्स वापस अपने आप ओशन में आ जाते हैं। तो ऐसे डेवलपमेंट को क्या बोला जाएगा, एनाड्रोमस। मतलब अडल्ट जो है वो फ्रेश वाटर में जाएगा, वहां पे अंडे देगा, अंडे अपने आप फूटेंगे, बाहर निकलेंगे, जब बाहर लार्वे निकलेंगे तो अपने आप बराबर वापस ओशियन में आ जाएंगे, समझा? स्पॉनिंग का मतलब है डिपॉजिटिंग एग्स। नेक्स्ट क्लास गनाथोस्टोमेटा, गनाथोस्टोमेटा विद जॉज वाले। अब यहां से तो आप सबको पता ही है एनिमल्स, है ना? तो आप सब जानते हो सुपर क्लास पाइसेस। पाइसेस मतलब जो पानी में रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स। पोइकिलोथर्मिक का मतलब क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, मतलब जो लोग अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग टेम्परेचर। फिशेस के पास क्या होता है, देखो ये बीच में लैटरल लाइन होता है, लैटरल लाइन,
जिससे कि वो लोग वाटर करंट को पहचान सकते हैं, लैटरल लाइन, विच हेल्प्स इन द डिटेक्शन ऑफ वाटर करंट, दैट इज रियो रिसेप्टर्स. लोकोमोशन फिन से करते हैं, कॉडल फिन स्टेयरिंग का काम करता है फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन. व्हाट डू यू मीन कॉडल फिन? ये लास्ट वाला फिन, देखो इधर लेबलिंग दिया कॉडल फिन, दिखा सबको? कॉडा मतलब टेल होता है, टेल फिन. एक्सोस्केलेटन मतलब स्केल्स होता है. एंडोस्केलेटन कैन बी कार्टिलेज और बोन्स. बॉडी कैसा होता है? बोट शेप का है ना, बोट शेप का बॉडी है ना फिशेस का, टू कट द वॉटर करेंट. देन रेस्पिरेशन गिल्स से करते हैं. ब्रेन डेवलप्ड है जिसमें से ऑल्फैक्टरी लोब ज्यादा डेवलप है. ऑल्फैक्टरी लोब मतलब सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल. सेक्सेस आर सेपरेट. कुछ अंडे देने वाले होंगे तो ओविपायरस, कुछ बच्चे देने वाले होंगे तो विविपायरस. हार्ट इज अगेन टू चेम्बर, क्लोज्ड और सिंगल टाइप ऑफ सर्कुलेशन. दे शो अ वीनस हार्ट. फिशेस शो वीनस हार्ट. वीनस मतलब उनके हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड घूमता है, इसीलिए वीनस हार्ट बोलते हैं. अब आपको डिस्टिंग्विश के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कार्टिलेज फिश एंड बोनी फिश, या फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्ड्रियोकाइटिस एंड ऑस्टियोकाइटिस. सो कॉन्ड्रियोकाइटिस का मतलब शार्क इज एन एग्जाम्पल. यू कैन सी द शार्क. शार्क को स्कॉलिडियन भी कहते हैं. शार्क को डॉग फिश भी कहा जाता है क्योंकि उसका सेंस ऑफ स्मेल बहुत अच्छा है डॉग के जैसा. ये सारे कार्टिलेजिनियस फिशेज है, सॉफ्ट बॉडी. देन एक्सक्लूसिवली मरीन है, समुद्र के पानी में पाया जाता है. इनका स्केल्स प्लेकॉइड टाइप का होता है. यू कैन सी द डायग्राम फॉर द प्लेकॉइड स्केल्स. टीथ इज ऑल्सो मॉडिफिकेशन ऑफ अ प्लेकॉइड स्केल्स. माउथ कौन से साइड में? वेंट्रल साइड में है. दो लैटरल फिन्स है. यू कैन सी दिस लैटरल फिन्स, टू लैटरल फिन्स. माउथ देखो वेंट्रल साइड में है. देन टेल देखो, कॉडल टेल, कॉडल टेल देखो, कॉडल फिन. हेट्रोसर्कल, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा है ना, इसलिए हेट्रोसर्कल बोलेंगे इसको हम. 5 to 6, 7 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट. यू कैन सी दिस गिल स्लिट ऑल्सो. यहाँ पे गिल स्लिट होता है. गिल स्लिट को एक क्लेफ्ट्स भी बोला जाता है, ओपनिंग्स. गिल्स आर ओपन, दे आर नॉट कवर्ड विद द ओपरक्यूलम. अंडरस्टूड? यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस डायग्राम सो दैट व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग, यू कैन लर्निंग, यू कैन अंडरस्टैंड. देन एयर ब्लैडर्स होते हैं इनके पास. सॉरी एयर ब्लैडर्स नहीं होते हैं, सॉरी एयर ब्लैडर्स नहीं होते हैं. इसके लिए ये फिश नीड टू स्विम कॉन्स्टेंटली, इसलिए हमेशा स्विमिंग करते ही रहते, करते ही रहते, करते ही रहते हैं, जिससे कि वो लोग नीचे ना डूब जाए क्योंकि एयर ब्लैडर नहीं है ना, इसीलिए. दे आर प्रीडेटरी फिश, मतलब दूसरे फिश को खाती हैं. सम किसी किसी के पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होता है, किसी किसी के पास पॉइजनिंग स्टिंग्स होता है. जो मेल होता है उसके पास क्लैस्पर्स होते हैं जिससे कि वो स्पर्म को डिपॉजिट कर सके फीमेल के बॉडी में. और ये लोग कैसे होते हैं? वीवी पैरस, अंडे देने वाले होते हैं. ठीक है, इसका ही सारा अलग पॉइंट्स आपको ऑस्टियोकाइटिस में मिलेगा, मतलब ऑस्टियोकाइटिस मतलब बोनी फिशेस में. तो देखो क्या क्या अलग है. मैंने अभी आपको वहां पे क्या फर्स्ट पॉइंट बताया था कि दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन. तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, लिखना है कि दे कैन बी सीन इन फ्रेश वाटर ऑल्सो एंड मरीन वाटर ऑल्सो. उनके पास कैसा स्केल था? प्लेकॉइड स्केल्स था, याद है आपको? यहाँ पे मैंने क्या बताया था? प्लेकॉइड स्केल्स. जबकि यहाँ पे कैसा होता है? साइक्लॉइड स्केल्स या फिर टीनॉइड स्केल्स होते हैं. वहां पे माउथ कैसा था? वेंट्रल था. यहाँ पे माउथ कैसा है? टर्मिनल है. यहाँ का टेल देखो कैसा है, दो सब कॉडल टेल. कॉडल फिन कैसा है? दोनों सेम सेम है ना, सेम सेम है, हैं? तो इसको हम क्या कहेंगे? होमो सर्कल. वहां पे क्या था?
अनइवन था तो उसको हेट्रो सर्कल बोला था, इसलिए यहाँ पे इवन है तो क्या बोलेंगे, होमो सर्कल। वहां पे 7 गिल्स थे, यहाँ पे कितने, 4 गिल्स हैं। यहाँ पे गिल्स कवर्ड है, देखो गिल्स कवर्ड है कि नहीं, सबके ऊपर कवरिंग है कि नहीं, सब फिश में दिख रहा है कि नहीं कवरिंग। कवरिंग को क्या बोलेंगे, ओपरक्यूलम। इनके पास एयर ब्लैडर्स होता है इसलिए ये लोग आराम से कभी कभी रुके भी रहते हैं, फिशेस है सब ऐसे खड़े भी रहते हैं, ऐसे जरूरी नहीं कि हमेशा तैरते ही रहें, क्योंकि एयर ब्लैडर होने की वजह से बायंसी मिलती है इनको। मेल के पास क्लास्पर्स नहीं होता इसलिए फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, और ये लोग कैसे हैं, ओवी पैरस हैं, अंडे देने वाले, और वो लोग कैसे थे, वीवी पैरस थे, बच्चे देने वाले। समझ में आया? यस और नो? यस मैम। ओके, so now last three has been remaining, you can take a screenshot of this part also, but aapko homework kya hai, you will be writing in the book from the textbook, distinguish between cartilage fish and bony fish. ye nahi likhoge, ye to maine aapko aise samajhne ke liye diya, aapko textbook se dekh ke likhna hai. chalo tetrapods mein aayenge, jiske paas char hain, do haath do pair. तो सबसे पहले एम्फीबियंस में आएंगे, अभी इसके आगे तो अभी आप मुझे खुद ही सब बता सकते हो। एम्फीबियंस क्या, किसको बोलते हैं, जो लोग पानी और लैंड दोनों पे रह सकते हैं। दे आर पोइकिलोथर्मिक, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, मतलब जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बाहर का टेम्परेचर। इनका बॉडी सिर्फ दो ही पार्ट में डिवाइडेड, हेड एंड ट्रंक, नो नेक नो टेल। दो टू पेयर्स ऑफ लिम्स है, दो हाथ दो पैर, पेक्टोरल मतलब शोल्डर मतलब हाथ, और पेल्विक मतलब हिप रीजन। यू कैन सी दिस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनम, ईयर ड्रम है ये, ईयर ड्रम। इनके पास ईयर पिना नहीं है, ईयर ड्रम है। स्किन कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, मॉइस्ट होता है, जिससे वो लोग रेस्पिरेशन कर सकते हैं। एक्सोस्केलेटन नहीं है, आईलिड्स होता है, टिम्पैनम से ये लोग सुन सकते हैं। एक्सक्रीशन डाइजेशन सब कुछ हो, एक्सक्रीशन और डाइजेशन का जो वेस्ट है, मतलब इनके पास एक्सक्रीटरी, जैसे यूरिनेशन के लिए अलग जगह और रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट के लिए एनस अलग जगह नहीं है, दोनों कॉमन ओपनिंग है। तो कॉमन ओपनिंग को क्या बोला जाता है, क्लोएका बोला जाता है, क्लोएका। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप है। अब देखो हार्ट का चेंबर बढ़ गया, अभी तक कितना था फिश में, कितना चेंबर हार्ट था, 2 चेंबर, अब यहाँ पे कितना हो गया, 3 चेंबर हार्ट हो गया है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन स्किन से भी कर सकते हैं, लंग से भी कर सकते हैं। नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड है, सेक्सेस सेपरेट है, अंडे देते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। क्यों इनडायरेक्ट बोल रहे, क्योंकि फ्रॉग का जो लार्वा होता है उसे टैडपोल बोलते हैं, वो फिश के जैसा दिखता है। ये देखो, इसको देख के कोई बोलेगा कि ये लार्वा फ्रॉग है, फिश के जैसा दिख रहा है ना पूरा, इसको हम बोलेंगे मेटामॉर्फोसिस। देखो बाद में टेल गायब हो गया फ्रॉग का। नेक्स्ट रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स का क्या खास बात होता है, दे आर क्रॉलिंग एनिमल्स, ठीक है, truly terrestrial animals, they are present everywhere, again पानी में, semi aquatic, marshy, again poikilothermic है, poikilothermic मतलब cold blooded है, tympanum है सुनने के लिए, locomotion limb से करते हैं। इनके पास pentadactyl है, 5 उंगलियां है, 5 उंगलियां with claws, नख के जैसा structure, बड़े बड़े नाखून होते हैं ना, तो उसको बोला जाता है claws। तो 5 डिजिट है, 5 उंगलियां है, पेंटाडेक्टाइल। स्नेक्स बिना लिम्स वाले होते, बिना पैर वाले, दे क्रॉल ऑन देयर बेली। कोई भी रेप्टाइल्स का स्किन कैसा होता है, ड्राई होता है, नॉन ग्लैंडुलर होता है, ठीक है। किसी किसी के पास स्केल्स होता है, किसी के पास क्यूट्स होता है, किसी के पास शील्ड होता है, जैसे टॉर्टोइज वगैरह के पास शील्ड होता है, ठीक है, किसी के पास प्लेट्स होता है। लिजर्ड और स्नेक अपने स्किन को बार बार छोड़ते हैं,
पीरियोडिकली रिमूव करते हैं ग्रो करने के लिए. अगेन हार्ट टू कंप्लीट ऑरिकल्स है बट वेंट्रिकल्स इनकम्प्लीट है. तो इनका हार्ट फोर चेम्बर तो है पर परफेक्टली फोर चेम्बर नहीं है, सिर्फ क्रोकोडाइल को छोड़ के. क्रोकोडाइल के पास हमारे जैसा फोर चेम्बर हार्ट है. ब्रेन वेल डेवलप्ड है, ऑल्फैक्टरी लोब मतलब सेंस ऑफ स्मेल अच्छा है, सेरिबेलम भी अच्छा है, ब्रेन का पार्ट है सेरिबेलम. सेक्स से सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, शेल्ड एग्स है. अंडे में क्या होता है, शेल होता है. एंड दे शो पैरेंटल केयर ऑल्सो. जैसे जैसे ब्रेन डेवलप होगा पैरेंटल केयर बढ़ते जाएगा. एप्स पे चलते हैं, बर्ड्स में तो फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स फॉर फ्लाइंग और हाइंड लिम्स फॉर वॉकिंग रनिंग. जो एक्वाटिक बर्ड्स होते हैं उनके पास क्या होता है, वेब्स होता है फॉर स्विमिंग. अगेन बॉडी कैसा होता है, स्ट्रीमलाइंड होता है टू कट द एयर करंट. नाउ एव्स और मैमल्स यही दोनों कैसे है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स है. मतलब हम लोग अपने बॉडी के टेम्परेचर को नहीं चेंज कर सकते अकॉर्डिंग टू बाहर का टेम्परेचर. तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स को क्या बोला जाता है, होमियोथर्म्स भी कहा जाता है. कुछ बर्ड्स उड़ नहीं सकते जैसे कि ऑस्ट्रिच. एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फेदर्स, स्केल्स भी प्रेजेंट है. बॉडी चार पार्ट में डिवाइडेड है हमारे जैसा, हेड नेक ट्रंक एंड टेल. स्किन ड्राई है एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड्स एट द बेस ऑफ द टेल व्हिच इज कॉल्ड एज अ यूरोपाइजियल ग्लैंड. बोन्स कैसे होते हैं, हॉलो. क्यू टू रिड्यूस द बॉडी वेट व्हाइल फ्लाइंग. जॉज विदाउट टीथ, दे आर हैविंग बीक. यस, आपने कभी चिड़िया को दाना खाते हुए देखा है, कैसे खाती है वो दाना, चबा चबा के खाती है क्या, निगल लेती है, फटाफट 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 खाती है ना दानों को. तो कभी आपने सोचा है कि वो चबाती कब है, फिर उसके बॉडी के अंदर है ना बेटा. ये देखो उसके बॉडी के अंदर उसके डाइजेस्टिव सिस्टम एक पाउच होता है जिसको क्रॉप बोला जाता है, और क्रॉप के जस्ट नीचे एक और ऑर्गन होता है जिसको गिजार्ड बोला जाता है. ये जो गिजार्ड है ना, ये चक्की है इसका. इसके अंदर दो दांत होते हैं जो ग्राइंड करते हैं फूड मटेरियल को, इसलिए फटाफट फटाफट दाना चुगती है और अंदर इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्रशिंग का काम होता है. समझा, तो क्रॉप एंड गिजार्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बर्ड्स में. रेड कलर का ब्लड है क्योंकि इनके भी ब्लड में हेमोग्लोबिन है. हार्ट परफेक्टली फोर चेम्बर्स है. रेस्पिरेशन लंग से करते हैं. सेक्सेस आर सेपरेट. बर्ड्स में मेल्स आर मोर ब्यूटीफुल देन फीमेल. जैसे आपने पीकॉक को देखा होगा और भी बर्ड्स को देखा होगा, तो जो जो मेल होता है दे आर मोर ब्यूटीफुल देन फीमेल. और आप क्या डायग्राम में देख पा रहे हो, पैरेंटल केयर. सिर्फ अंडे में से बाहर निकलने तक उसका केयर नहीं करते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, उसको उड़ना सिखाते हैं, नेस्ट बनाते हैं. ब्रेन है तभी तो घर बना रहे हैं ना, नेस्ट बना रहे हैं. सो सम बर्ड्स दे डू माइग्रेशन ऑल्सो. जैसे फ्लेमिंगोज वगैरह आपने सुना होगा इंडिया में आते हैं. ठीक है, स्पेशल फीचर्स क्या है, यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता. और जो फीमेल्स होती है उनके पास लेफ्ट ओवरी और लेफ्ट ओविडक्ट होता है टू रिड्यूस द बॉडी वेट. नेक्स्ट कम्स द मैमल्स जिसमें हम भी आते हैं. मैमल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि दे वी ऑल आर हैविंग द मेमोरी ग्लैंड्स. नो डाउट द फीमेल के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स इज मोर डेवलप टू फीड द यंग वंस. मेल में ज्यादा डेवलप नहीं है पर मेल्स में होता है, फीमेल्स में दोनों में होता है, मेल फीमेल दोनों में होता है, बट फीमेल में फंक्शनल है, मेल में नॉन फंक्शनल है.
दे आर ओमनीप्रेजेंट, हर जगह प्रेजेंट है, पानी में भी है, वेल है, डॉल्फिन है, लैंड पे है, लैंड पे तो कितने सारे लायन टाइगर वगैरह सब है, एरियल्स में कौन है, बैट है ना, तो ओमनीप्रेजेंट है. आर्बोरियल, आर्बोरियल मतलब झाड़ पे रहने वाले, मंकीज है. सो लिम्स आर यूज फॉर क्लाइंबिंग, बरोइंग, स्विमिंग. बॉडी तीन चार पार्ट में डिवाइडेड, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल. वी आर होमियोथर्म्स, वार्म ब्लडेड एनिमल्स वी आर. एक्सोस्केलेटन, फर होगा, हेयर होगा, नेल्स होगा, हूव्स होगा. गाय बैल के पास हॉर्न्स भी होता है, कैमल वगैरह के पास हूव्स भी होता है चलने के लिए. स्किन के अंदर दो ग्लैंड होते हैं, स्वेट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड. ऑयल ग्लैंड को सेबेशियस ग्लैंड भी कहा जाता है. And mammary gland is a modified sweat gland. It's a modified sweat gland. Important question. Mammary glands are modified sweat gland. Important question. We are having the external ear pinna, जिसका मम्मी इस्तेमाल ज्यादा करती है. स्कूल में टीचर्स इस्तेमाल करते थे आपको ठीक करने के लिए. दांत अलग अलग टाइप के होते हैं, हेट्रोडोंट. अलग अलग टाइप के हमारे पास दांत हैं. चार टाइप के दांत होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स. हमारा आरबीसी बाइकॉनकेव है, बिना न्यूक्लियस वाला है, इसलिए ई न्यूक्लिएटेड. ब्लड रेड कलर का है. हार्ट वेंट्रल साइड में है, फोर चेम्बर है. हम रेस्पिरेशन लंग से करते हैं. ब्रेन हाईली डेवलप्ड है, और जो हमारा ब्रेन में सेरिब्रम है उसमें कॉर्पस कैलोजम भी है. कॉर्पस कैलोजम क्या होता है? दोनों सेरिब्रम को जोड़ने वाला नर्व बैंड. कुछ ओवी पैरस है. अंडे देने वाला कौन मैमल है? ये आप फर्स्ट वाला देख सकते हो. ये फर्स्ट कौन है? डक बिल्ड प्लैटिपस. ये अंडे देता है. एक यही एक ऐसा मैमल है जो अंडे देता है. फिर मार्सुपियल्स क्या होते हैं? कंगारूज और मार्सुपियल्स. ये लोग इमेच्योर बेबी को जन्म देते हैं और फिर उसको पाउच में रख के मेच्योर करते हैं, तो दे आर मार्सुपियल्स. और बाकी के मैमल्स कैसे होते? प्लेसेंटल होते हैं, मतलब फुल ग्रोन बेबी को जन्म देते हैं. अंडरस्टूड? यस मैम. सो विद दैट योर लेसन इज बीन कंप्लीटेड. ये लेसन कंप्लीट हो गया है. ठीक है, you are having this lesson for your exam, na? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So you all will be getting good marks in this lesson, na? Yes. Yes, ma'am. पक्का वाला promise? तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा. तो आज के आज ये book पढ़ो, ठीक है? Yes, ma'am. Okay. So बेटा अभी अपना काम कर लो, अपना homework वगैरह कर लो, ठीक है? चलो देन, बाय बेटा. बाय मैम. थैंक यू मैम.